चंदौसी में 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस पर समाजवादी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के नेतृत्व में शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को नमन किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि कारगिल युद्ध में जवानों ने अपना सर्वस्व निछावर कर अपनी शहादत दी। आज हम सबको उनकी शहादत से सबक लेकर राष्ट्र हित में तथा इस संविधान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहना होगा। आज इस देश में शहीदों के परिवार भी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर की घटना इसका जीता जागता प्रमाण है। आज पूरा देश कारगिल युद्ध के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम समाजवादी पार्टी के साथियों ने लोगों ने आकर के सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा पर आकर के पुष्प चढ़ाए और कैंडल जला करके उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। मैं आज इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि देश और प्रदेश की सरकारें जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, आज बड़ी दुख दर्द भरी दास्ता है कि आज जो मणिपुर में घटना हुई, जिस महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसके पति ने कारगिल युद्ध में शहादत दी थी। अगर शहीदों के परिवारों की सुरक्षा भी ये सरकारें न कर पाई तो आज नहीं कह सकते कि आम जनमानस की सुरक्षा क्या होगी। इसलिए आज हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से यही मांगे हमारी कि देश के शहीदों के परिवारों की सुरक्षा दे पाए, उनका रखरखाव दे पाए, जिससे कि अपना सही सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। यही हमारा अधिकार।